हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं पेंशनर, उनके लिए, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे कर्मचारी और पेंशनरों के लिए सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया है, यानी कि उनको जो डबल तोहफा है वो मिलने वाला है सरकार की ओर से। जो DA DR और जो TA हैं उसके साथ साथ जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी की मांग को मानते हुए सरकार ने DNS अलाउंस, यानी कि जो आपका DA है उस पर पिछले 1.5 साल से लगी रोक को हटाते हुए 11% की जो बढ़ोतरी का फैसला किया है। पहले जो आपका DA 17% की दर से आपको मिल रहा था दोस्तों, अब उसमें 11% की बढ़ोतरी करने के बाद जो आपका DA बनता है वो 28% हो गया है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। DA जो DNS अलाउंस में बढ़ोतरी का सीधा जो असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी होगा और इसमें इससे भी ज़्यादा जो उछाल है वो आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग जो शहरों के आधार पर अलग अलग होगा। दोस्तों, जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद, जो ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, पटना जैसे शहर जो हाई TPTA कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा बाकी शहर अदर सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए TPTA जो फिक्स किया गया है, जिस पर महंगाई भत्ता जोड़कर किसी एम्प्लॉई के लिए ट्रांसफ़र अलाउंस कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो टोटल ट्रांसफ़र अलाउंस के लिए TA और इसमें हम जो DA का मल्टीप्लाई करके हम आपको इसमें बताते हैं कि कैसे आपका जो लेवल के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होती है। इसमें जैसे कि दोस्तों दिया गया है, जैसे जो हाई पे TPTA शहरों के लेवल 1 और 2 के लिए TPTA 1350 रुपये, 3 और 8 जो केवल लेवल है कर्मचारियों के लिए 3600 रुपये और वहीं जो 9 से ऊपर के लेवल के लिए 7200 रुपये। वर्तमान में दोस्तों आपका जो DA है वो 17% था, तो जो लेवल 1 है और लेवल 2 के लिए 230 रुपये, वहीं 3 से 8 जो लेवल के लिए 612 रुपये और 9 से ऊपर वाले जो लेवल के कर्मचारी है उनके लिए 1224 रुपये बनता है। तो दोस्तों, इस तरह जो टोटल ट्रांसफ़र अलाउंस 1580 रुपये, 4212 रुपये और 8424 रुपये आपका बनता है। तो दोस्तों, अब आपका जो कितना मिलेगा ट्रैवल अलाउंस, यानी कि TA है, DA के 28% हो जाने पर टोटल ट्रैवल अलाउंस 1728 रुपये, 40008 रुपये और 9216 रुपये बनता है, जो अलग अलग लेवल पे है। तो दोस्तों, इस तरह जो आपका TA में मंथली आधार पर 149 रुपये, 396 रुपये, 752 रुपये का उछाल आया है, यानी कि जो लेवल 1 और 2 के हैं उनके जो लेवल में उछाल आया है 149 रुपये का उछाल है। वहीं पर 3 से 8 लेवल के जो कर्मचारी आते हैं उनके जो TA में उछाल आया है दोस्तों वो 396 है और वहीं जो 9 से ऊपर के लेवल के कर्मचारी हैं उनका 792 रुपये तक जो पेंशन बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर कर्मचारियों को 1788 रुपये और 4752 रुपये और वहीं 9504 रुपये ज़्यादा जो है पेंशन आपको दी जाएगी। दोस्तों, जो DNS अलाउंस 17% था जो अब बढ़कर 28% हो गए हैं। अंदर सिटी के जो है TPTA कितना होगा वो भी हम आपको बताते हैं। इसी तरह जो अंदर सिटीज के लिए लेवल 1 और 2 के लिए TPTA 900 रुपये हैं, 3 से जो 8 लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए 1800 रुपये और वहीं जो 9 से अपर वाले हैं कर्मचारी हैं उनके लिए 3600 रुपये पर होगा। दोस्तों, इसमें जो वर्तमान में 17% की दर से आपका DA ऑन TA जो इसमें थी दोस्तों 153 थी, जो लेवल 1 और 2 के लिए जो इसमें जो बढ़ोतरी थी दोस्तों वो 153 थी, लेकिन अब जो इसमें हुई है
वो 1053 है, जो लेवल 3 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए 306 थी, अब उसमें जो बढ़ोतरी है दोस्तों 2106, और जो 9 से ऊपर वाले कर्मचारियों के लिए पहले 612 रुपये बनता था और अब 4212 रुपये बनेगा। दोस्तों अंदर सिटीज के कर्मचारी को कितना मिलेगा ट्रैवल अलाउंस, यानी कि जो अंदर के सिटीजन है उनके लिए जो टीए है दोस्तों, जो डीए के 28% हो जाने के बाद टीए ऑन डीए बढ़कर 252 रुपये 504 रुपये वहीं 1008 रुपये हो गया है। टोटल ट्रैवल अलाउंस बढ़कर 1152 हो गए हैं, जो 252 था दोस्तों वहीं 1152 हुआ है, 504 था पहले अब 2304 हुआ है, जहां कर्मचारियों को 1008 मिलता था वहां 4608 रुपये आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, आपका टीए है वो मिलेगा। दोस्तों पहले के मुकाबले में इसमें जो 99 रुपये 198 रुपये और 396 रुपये की तेजी आई है। सालाना आधार पर लेवल 1 और 2 के कर्मचारियों को जो है 1188 रुपये, 3 से 8 लेवल के जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए 2376 रुपये, और जो 9 से ऊपर वाले कर्मचारियों के लिए दोस्तों 4752 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना आपका टीए मिलेगा। तो हमने आपको इसमें बता दिया है, जो पहले 17% की दर से आपको टीए इतना मिल रहा था, लेकिन अब 11% की बढ़ोतरी होने के बाद आपका जो टीए है डीए के साथ करने के बाद आपकी पेंशन में कितना उछाल आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय जवान, जय किसान।